अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, हलवा शलवा खा लिया होगा क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं। आज विंटर का ना अच्छे से मुझे लगता है अच्छे से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो एक मेरे दोस्त की कॉल आ गई कि कहीं जाना है, फोटोज लेने हैं, देखते हैं। वैसे आज का जो है रिस्की बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि बर्फ हो रही है, स्लिप होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो फिलहाल जाते हैं आगे, वहाँ एहसान भाई से मिलते हैं। और एक और काम करना है मुझे, अपने ना गाड़ी के टायर्स का हवा कम करना है क्योंकि जब भी आप स्नो में गाड़ी चलाओगे तो आपका लगभग 50% प्रेशर, आपको एयर प्रेशर कम करना है। आगे एहसान भाई की दुकान ये रही, यहाँ पे मिलेंगे। مز شین گو چالو مے باسان بتاو نی بیگ ایتی ا ٹھیک تا لوک من دی زمین چو چو अभी आगे निकल रहे हैं और एक और जगह पे जा रहे हैं हम लोग, वो है एहसान भाई आगे जाते हुए। और वही जगह है मतलब चतरनार फॉरेस्ट्स, और यहाँ सोचा आज बर्फ़ में देखते हैं, मज़ा मज़ा आ रहा है, मज़ा सीरियसली बहुत मज़ा आ रहा है। पहली बार मतलब बहुत टाइम के बाद आज मैं फ़ोटोज़ ले रहा हूँ, वो भी विंटर में, मतलब बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, मजा आ रहा है। ये देख सकते बारिश से पूरे भीग गए हैं, इवन बर्फ से भी अभी। और ये देख सकते हैं, इसको बचा के रखना पड़ा। बाकी एक्शन कैमरा का टेंशन नहीं है क्योंकि ये वाटरप्रूफ है। ये हैवी ड्राइवर एक ट्राई कर रहे हैं और आने के लिए। चलो जी, नीरी नीरी दिखा था ऐसा वाला आराम सा। तो आज एहसान भाई के साथ हम निकले चतरनार में। वैसे मैं इस सीज़न में ना मतलब बर्फ़ पड़ते वक्त कभी फ़ोटोज़ नहीं लिया हूँ और बहुत टाइम से फ़ोटोज़ लिए नहीं लिए, तो सोचा आज निकलते हैं और देखते हैं मज़ा। वैसे मज़ा है अच्छी फ़ोटोग्राफी का ना इसी सीज़न में, तो सीखने को बहुत कुछ मिला। अभी और चलना है दूसरी एक लोकेशन पर, फिर देखते हैं क्या मज़ा आने वाला है। ये चीज़ है कि इसमें पानी चला जाता है, उसकी थोड़ी ना फिक्र रहती है। Thank you.
एहसान भाई को ना उनकी शॉप पे ड्रॉप कर दिए हैं और निकल रहे हैं वापस। शाम के 4:30 हो चुके हैं। जैकेट मेरा पूरा गीला हो चुका है, जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बारिश ना बर्फ़ अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिली। चलो ठीक है, फिर भी अच्छे फ़ोटोज़ आए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत कुछ सीखने को आज मिला और नो बहुत टाइम के बाद मैं आज फ़ोटोज़ ले लिया अपने DSLR से। वैसे अपने कैमरे से लेता था, अपने मोबाइल से लेता था, लेकिन DSLR से बहुत टाइम के बाद आज लिए। मतलब मैंने फ़ोटोज़ लेना बंद किया था, उसका पता रीज़न क्या है, मेरे एक दो क्लिक्स मैंने डाले थे तो वो किसी पेज ने अपलोड कर दिए। फिर जब मैंने उनको बोला कि भाई मेरी परमिशन के बगैर आपने मेरा फ़ोटो क्यों चढ़ाए, तो पता नहीं वो वहाँ से गुस्सा होने लगे। तो तब से मैंने सोचा कि नहीं, अब यू नो नहीं डालूंगा ये फ़ोटो। मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग ना दूसरों के कंटेंट को यूज़ करते हैं अपने पोस्ट पे, पेज पे, इवन यूट्यूब पे भी डालते हैं। अच्छी बात नहीं है, इसमें एफर्ट लगता है, पैसा लगता है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यू नो टाइम लगता है। एक बिजी शेड्यूल में किसी चीज़ के लिए टाइम निकालना और फिर जाके कोई दूसरा बंदा उसको यूज़ करेगा तो अच्छी बात नहीं है। तो कॉपीराइट्स का जो क्लेम है यहाँ पे हमें उतना उसको उसका ना कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब बंदा उसमें फंसेगा ना कॉपीराइट क्लेम में, तो उसको ना उसका उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो कितना फंसेगा उसमें। तो हमने वैसे ये चीज़ें रखी है जहन में कि हम लोग यू नो हर किसी चीज़ को इजी लेते हैं, लाइट लेते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको लाइट ना लीजिएगा। किसी भी चीज़ को ना लाइट नहीं लेना है। वो जो लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि पासपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जहाँ हुआ करता था, वो आज मैं इस वीडियो में आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे जाना तो वहीं से है। और एक दो वीडियोस अच्छे जो नॉलेजेबल हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, विंटर्स में तो काम है ही नहीं, तो उनको भी बना लेंगे। और बाय द वे जब फ़ोटोज़ हम लेते हैं तो उस टाइम व्लॉग करना, फ़ोटो लेना पॉसिबल नहीं होता है, दोनों चीज़ों को करना। और ऊपर से जब बारिश गिरती हो, बर्फ़ गिरती हो, तो दो दो यू नो इक्विपमेंट्स को हैंडल करना बहुत दिक्कत होता है। टायरों का जो हवा मैंने निकाला था, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, वो ये है कि मेरा जो स्टेयरिंग है ये सही से नहीं चलता है, ऐसे ऐसे करके चलता है। एहसान भाई ना बहुत बेस्ट यू नो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, और ऐसे इनके साथ ना चलने में कुछ सीखने को ही मिलता है। मेरे घर में इंटरनेट जो है लगा था, BSNL फाइबर उन्होंने टेस्टिंग पे डाला है, लेकिन अभी अच्छी तरह से ना कंप्लीट उन्होंने नहीं लगाया है। तो आई होप कि आने वाले टाइम में ना एक दो दिन में वो उसको लगा लेंगे अच्छे से, तो फिर इंशाल्लाह वीडियोस जो है कंटिन्यूसली आते रहेंगे। मेरी एक आदत है कि मैं डाटा अपने पास नहीं रखता हूँ, क्योंकि रीज़न मेरा यूट्यूब चैनल खोलने का यही हुआ कि मेरे पास बहुत सारा कंटेंट था और मेरी एक हार्ड ड्राइव में था, और वो हार्ड ड्राइव जो है वो क्रैश हो गई, और जिसकी वजह से मेरा सारा डाटा ख़राब हो गया। और फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना छोटे छोटे वीडियोस डाल के यूट्यूब पे डाल दूँ, और मैं भी देखूँगा और ऑडियंस भी देखेगी। तो वही चीज़ें लेके मैं अभी तक चल रहा हूँ, और मसला उसमें ये होता है कि मैं कभी भी कंटेंट उठा के हार्ड ड्राइव पे भरोसा नहीं करता हूँ, मैं ला के उसी टाइम प्रोसेस करके डाल देता हूँ। तो अगर आजकल यू नो मेरा इंटरनेट का इशू चल रहा है, तो जिसकी वजह से मैं नया शूट नहीं करूँगा तब तक जब तक ना मैं पुराना जो भी है उसको अपलोड कर लूँ। तो जब इंटरनेट जो आएगा, मतलब इंटरनेट तो है बट फाइबर जो है हाई स्पीड डाटा इंटरनेट जब आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यूसली वीडियोस बनाने के लिए। तो फिलहाल मैं आपको वो जगह दिखाता हूं जो पासपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करता था 47 से पहले। यहां से सीधे जाते हैं गुरेज, और मुझे जाना है लेफ्ट, और ये जो आज यहां पे फॉरेस्ट चेक पोस्ट है ना, ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला, तो ये हुआ करता था पासपोर्ट इमिग्रेशन सेंटर। तो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे खत्म। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक दबा देना, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हाँ भाई, मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स जो है
वो नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ यार आप वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करो ना, और उससे क्या है कि आगे आने वाले वीडियोस आप देखोगे। मिलते हैं नए किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।